गुड इवनिंग। सिम्पी डिग्री कॉलेज में कल के लिए कट ऑफ जारी हो चुकी है और एडीसी में भी जारी हो चुकी है, दोनों की बात करेंगे। पहले सिम्पी डिग्री कॉलेज में कितनी किस कोर्सेज में यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज में कट ऑफ जारी हुई है, तो बात करते हैं पहले सीएमपी की। सीएमपी की वेबसाइट पर आपको डेली अपडेट दिया जाता है और वहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं। और ये अपडेट आई है, रजिस्ट्रेशन यहीं से करना है, इसी वेबसाइट से। कैसे करना है, लिंक भी एक वीडियो है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें बैचलर ऑफ साइंस मैथ में 540 और बैचलर ऑफ कॉमर्स 415 और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये पीजी की है 60 नंबर जिनका है। और बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी में एक और कट ऑफ आई है, जो भी भोले भटके छात्र जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया एलएलबी में वो ले लें। ईडब्ल्यूएस की आई है, ओबीसी की भी आई है, 140 है ओबीसी की, और एसटी में भी 63 गई है। तो जो भी बच्चे बचे हों अभी वो अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि लास्ट कट ऑफ या एक कट ऑफ और आएगी, हो सकता है जनरल में आए, उसके अलावा कट ऑफ एलएलबी की नहीं आने वाली है। तो जो भी बचे हैं वो एलएलबी की अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ले लें कल। मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम में आई है 155 और 153 है, एससी में 129 है और एसटी में 63 है। ईडब्ल्यूएस एमए इकोनॉमिक्स और सभी कोर्सेस में आई है, जिसमें जिस कोर्सेस में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना देख लीजिए। अगर उस नंबर के अंदर आते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल से कर लेंगे। केमिस्ट्री में आई है, मैथ में आई है, एमएससी मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स जियोलॉजी सभी बॉटनी सभी डिपार्टमेंट में आई है, जर्नल में आई है और एससी और ओबीसी में आई है। तो जिसमें भी आप कैटेगरी में आते हैं, अगर उसके अंतर्गत आपका नंबर है तो आप एडमिशन ले लीजिए। बात करते हैं अब एडीसी डिग्री कॉलेज में। एडीसी डिग्री कॉलेज में फ़िलहाल अभी एलएलबी की कट ऑफ नहीं आई है, पीजी कोर्सेज की ही कट ऑफ जारी हुई है। तो आप चिंता ना करें, एलएलबी की कट ऑफ आएगी। इसमें कई कोर्सेज में कट ऑफ आई है, जिसमें सीट अभी बाकी है और जिसमें सीट नहीं है उसमें कट ऑफ नहीं आई है। एलएलएम में कोई कट ऑफ नहीं है। एमएससी गणित और भौतिक विज्ञान दो ही यहाँ पर स्ट्रीम चलती हैं, उसमें कट ऑफ जारी की गई है। ये आज के लिए कट ऑफ है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट आपको नोटिफिकेशन अगर ऑन किए हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगी और मिलती रहती है डेली 9 बजे से पहले। मान चलिए 8 बजे तक, लेटेस्ट 8 बजे तक सीएमपी और एडीसी की अपडेट आ जाती है और आपको इस चैनल पर मिल भी जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।